हेलो गाइज, देखिए मित्रों मैं लाइव हूँ। मैं इस वक्त लाइव हूँ, आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए भाई, जुड़िए, देखते हैं आज कितने लोग जुड़ते हैं। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बाग में फिर झूले पड़ गए पक गए मिथिए अबिया, छोटी सी जिंदगी में रात लंबिया लंबिया के घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। नमस्कार भाई, नमस्कार। और क्या हाल चाल है? चलिए भाई कमेंट कीजिए। कमेंट करो भाई, कमेंट करो। देखिए हमारे पीछे विद्यालय भी है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग आज यहीं पे आराम कर रहे हैं। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे हैं। पेड़ के नीचे हम लोग आराम कर रहे हैं। इस समय धूप बहुत ज्यादा है भाई, अभी यहीं पे हम लोग खाना खाए, काम पर धूप में जो है काम बंद कर दिए, इतना ज्यादा धूप थी इसके लिए। और ऐसे ही जमीन पे हम लोग सोए हैं भाई, हम लोगों का दिन तो कहीं और गुजरता है, पता नहीं रहता है कि घर पे कब पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे भाई। इसीलिए तो हम लोग मजदूर हैं, मजदूरों का कोई भरोसा नहीं है भैया। घर छोड़ दिए तो उनको ये नहीं मालूम है कि फिर शाम को घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देख लीजिए हम लोग, इतनी कड़ाके की धूप है और इस धूप में एक पेड़ है, एक पेड़ है, उस पेड़ के छांव के नीचे हम लोग लेटे हुए हैं। और इधर से हमारा जो है रूड है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और लोग भी हैं यहाँ पे। यहाँ से देख रहे हैं, वो भी चला रहा है बेचारा अपना मोबाइल, मोबाइल में मस्त है एकदम से। और देखिए यहाँ पे यातायात साधन भी, सब लोग आ जा रहे हैं। तो भाई हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई, प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। आप देख सकते हैं कि मैं डेली वीडियो डालना चालू कर दिया हूं अपने चैनल पे, मेरा पवन कुमार ब्लॉग चैनल है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा हमें प्यार और सपोर्ट देंगे भाई, आप लोगों का इंतजार है। चलिए कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए। कमेंट करो भाई, कमेंट करो। देखते हैं आज कितने लोग जुड़ते हैं हमारे लाइव चैनल से। चलिए भाई कमेंट करो, कमेंट करेंगे तभी तो हम जानेंगे भाई कहाँ कहाँ से हैं आप लोग। कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए। देखिए भाई अगर कमेंट करेंगे आप लोग तभी हम जानेंगे कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ कहाँ से हुआ सभी, यानी कमेंटवा करा।
चिवटी यार चढ़ती है यार दुनिया का कुल जमीन पे सब चीटियां चढ़ रही हैं ऊपर भैया। जीतू सिंह यूपी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको, नमस्कार। ये हमारा ब्लॉग चैनल है, ये ब्लॉगिंग का चैनल है भैया। और भैया आप ठीक है ना? आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन कुमार ब्लॉग, ये हमारा ब्लॉगिंग का चैनल है। और भैया, और भैया सब ठीक है ना? जीतू सिंह, और भैया सब हालचाल सब ठीक है? देखिए आज हमारे मन में आया कि मैं आज थोड़ा हमारा लंच हुआ था तो हम सोचे कि मैं इसी जगह थोड़ा अपना लाइव दिखा दूँ, लाइव कर लूँ अपने चैनल को। तो ये लाइव पे हम बैठ गए। हम भी ठीक है भैया, हम भी ठीक हैं। सतोरु जी जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। देखिए भैया एक भाई और भी जुड़े हुए हैं, वो भी कमेंट कर रहे हैं। भैया आपको भी नमस्कार। आप लोग यूपी से ही हैं भैया? जीतू भाई आप भी यूपी, आप तो यूपी से ही हैं, मैं भी जौनपुर जिले से हूँ। यूपी में कहाँ से हैं भाई? गेम ओवर, ओके भाई ओके। गोजो सतोरु इफ्नो, थैंक यू भाई, थैंक यू। देखिए लाइव आने से एक यही चीज रहता है, आप बुलंद शहर से हैं, ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। देखिए आज तो बहुत कड़ाके की धूप है और इसी जगह हम लोगों का काम चल रहा था बगल में, यहीं पे खाना खाए और यहीं पे हम लोग बैठ गए। और बहुत ज़्यादा अभी धूप लग रही है तो यहीं पे छांव में ज़मीन पे ही लेटे हुए थे। आप भैया आप गुजरात से हैं, ओके भाई ओके। मैं जौनपुर जिले से हूँ भाई। चलिए भाई हमें इतनी खुशी है कि हमारी वीडियो को जो है गुजरात से देखा जा रहा है, हमें इतनी खुशी मिली भैया कि हमारी वीडियो को जो है हमारी लाइव चैनल को गुजरात से देखा जा रहा है। चलिए भाई ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गेमिंग का चैनल है भैया? जीतू सिंह आपसे बात, भैया आपसे भी बात करके करने में हमें भी अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा आप भी गेहूं की कटाई कर रहे हैं? यहाँ पे गेहूं जो है ना बहुत तेजी से कट रहा है भाई, बहुत तेजी से, बहुत से एक दिन मौसम। यहाँ पे जो है एक दिन मौसम बिगड़ गया था और इसके बाद उसी दिन से जो है ना मशीन हार्वेस्टर लग के बहुत तेजी से गेहूं की कटाई चालू हो गई।
और लगभग हमारे समझ में आ रहा है कि एक हफ्ते में सारा सिवान जो है साफ हो जाएगा भाई। अच्छा, आपके यहाँ भी हार्वेस्टर चल रहा है? हार्वेस्टर तो हार्वेस्टर की वजह से कटाई जो है ना बहुत पहले हो जा रही है भैया। थोड़ा हमारा ब्लॉग का चैनल है, पवन कुमार ब्लॉग, हमारा हमारे चैनल का नाम है। थोड़ा आप लोग प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। ओके भाई, ओके। अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा बड़े बड़े यूट्यूबर जितने हैं उन लोगों से, यूट्यूब गुरु हैं उन लोगों से मिलने के लिए हमारा मन करता है। सोच रहे हैं कि जाने के लिए, एक टेक चैंपियन सपोर्ट है उनके पास जाने वाले हैं हम। देखते हैं कि यूट्यूब गुरु क्या करते हैं भाई। सातोरु भाई, आप चले गए क्या? अच्छा, अंकल आपको, हमको टेक चैंपियन सपोर्ट बहुत पसंद है भाई। वो जो देखिए जितने छोटे छोटे यूट्यूबर हैं वो सबका सपोर्ट करते हैं भैया, खुल के सपोर्ट करते हैं और फुल सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हमें अंशु मौर्या जी जो है ना पसंद हैं। एक बार हम गए थे उनके पास, लेकिन उसमें हनुमान जी का भंडारा कराए थे। जब उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे तो वो भंडारा रखे थे और हम लोगों को जो है इनवाइट किए थे यूट्यूब पे ही। तो वहाँ पर हम गए थे, लेकिन बहुत लेट हो चुके थे हम। जाने के बाद हमारा 2,000 रुपये खर्च तो हुआ, लेकिन कुछ सीखने को ज़रूर वहाँ पे मिला। और बोले कि कभी संडे को आना, इस वक्त हम थक चुके हैं और तब से हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा है भाई कि हम वहाँ पे पहुँच जाएं। उधर ठंड ठंड पड़ने लगी, शीतलहरी में कौन जाएगा, इतना ज़्यादा ठंड थी। लेकिन अब सोच रहे हैं कि वहाँ पर जाने के लिए। अरे राम राम। खेलता था फ्री फायर, फ्री फायर में हमको समझ में नहीं आता है। फ्री फायर खेलता था लेकिन हमको समझ में नहीं आता था। फ्री फायर गेमिंग का भी मेरा जो है चैनल था, तो अकेले कितने चैनल चलाए, एक चैनल चलाने में हमारा जोर हो जा रहा है। मैं 5 चैनल है, 5 चैनल में से एक इसी चैनल पे काम करता हूँ भाई। सब पे जैसे पूरे 8 घंटे काम करो, इसके बाद मुझे एक ही वीडियो का जो है ना वीडियो बनाने में रात को 11 12 एक दो तीन बज जाता है। उसका थंबनेल बनाओ, एसईओ करो, सब कुछ मतलब करने में हमको बच जाता है और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तीन तीन चार चार चैनल साथ में नहीं चला पाएंगे। जब खाली टाइम रहता है तो चलो चलाने में ठीक है, लेकिन यहाँ काम भी करना है, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं भाई। क्या है, आप पढ़ाई करते हैं? जीतू सिंह, आप चले गए क्या भैया? एक दिन मैं लाइव आया था तो हमको इतने लोग सुपर चैट दिए, लेकिन हमारा चैनल ही मोनेटाइज नहीं था, नहीं तो हमको मिलता। अभी एकदम नजदीक में हम पहुंच चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, जल्द हो जाएगा। मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं। कितने में पढ़ते हैं भैया? किस क्लास में हैं आप? चाहिए।
सत्तोरू ऐप भाई, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? अच्छा अच्छा आप सिक्स क्लास में पढ़ते हैं। चलो ओके भाई, मेहनत से पढ़ना भाई। शिक्षा शिक्षा बहुत, शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है, मेहनत से पढ़ना। देखो शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ये जान लेना। शिक्षा से बड़ा हथियार कोई नहीं है भाई, जितना पियोगे ना उतना दहाड़ोगे, उतना ही दहाड़ोगे। चलो और सब घर पे ठीक है भाई? बताइए, आप हमें गुजरात से देख रहे हैं, थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट किया करो भाई। आप लोगों के ही प्यार पे तो हम भी टिके हैं यार, नहीं तो कब का यूट्यूब छोड़ दिए होते हम। ओके भाई ओके, चलो ठीक है। जीतू भाई आप चले गए, और भैया और आप लोग भी कमेंट कीजिए। और भाई लोग कमेंट कीजिए, अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग भी कमेंट कीजिए। देखिए भाई सतारू भाई जो है गुजरात से हमारी वीडियो को देख रहे हैं भैया, और हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पे जो है जुड़े हुए हैं, और हमें कमेंट कर करके हमसे बातें कर रहे हैं। जीतू भाई, जीतू सिंह थे वो भी, देखिए हमारे चैनल से जुड़े थे। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय उन्होंने हमारे चैनल पे दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम। यूट्यूब वन, ये आपका चैनल है यूट्यूब वन, यूट्यूब हैशटैग वन, हमको इसका मतलब समझाइए तब न जाने। आप देखेंगे, देखिए हमारे साथ, मैं दिखाता हूँ, देखिए इनकी उम्र कितनी हो गई है, देख रहे हैं इनको। लेकिन गरीबी कहा जाता है ना, गरीबी एक ऐसी चीज है जो सबको मजबूर कर देती है भाई। ये भी देखो हम लोगों के साथ में ही काम करते हैं चाचा जी। इमोजी तो आपने ऊपर लगाया था, जो यूट्यूब का लोगो लगाया है, यूट्यूब का लोगो लगा के हैशटैग वन आपने मैं कमेंट किया है, उसका मतलब हमने समझे। ओ भाई अच्छा ओके ओके, चलिए भैया आप लोग भी कमेंट कीजिए। और सतारो भाई घर में सब लोग ठीक है ना? चलिए भाई आप लोग भी कमेंट कीजिए, कहाँ कहाँ से आप लोग हैं। देखिए ये भैया तो गुजरात से हमारे चैनल पे जुड़े थे और ओके करके चले गए भाई। ओके भाई ओके, अभी समझ में आया, इमोजी हैशटैग वन है। अच्छा इमोजी हैशटैग वन का क्या मतलब है? आप यूट्यूबर है ना? आप यूट्यूबर हैं तो
मैं भी एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप हमको बताइए। वीडियो में जो हैशटैग लगता है उसका क्या काम होता है? आपके सिर्फ 15 सब्सक्राइबर हैं भाई। चलो आप हमारे चैनल से, आप भी तो अभी तो आप नए हैं। देखिए रेगुलरिटी अपनी जो है बनाए रखिए भैया, अपनी जो रेगुलर जो प्रॉपर तरीके से जो काम होता है। जैसे देखो सीधी सी बात है, अगर किसी कंपनी में काम करोगे, जब काम डेली करोगे तो आपको डेली पैसे मिलेंगे। अगर काम डेली नहीं करोगे, एक मिनट भाई, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जाएगा वीडियो, जाएगा आपका, दूर दूर तक जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अब तो हमारे भी चैनल पे आएगा, मैं भी सब्सक्राइब कर लूंगा आपके चैनल को, ऐसी बात नहीं है। तो वही सिस्टम यूट्यूब का है भाई, अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका चैनल जो है, आपकी चैनल की रीच जो है ऊपर उठते जाएगी, आपका चैनल ग्रो होगा, हमेशा ग्रो होगा। पर मेरा एक वीडियो पर 200 टाइप व्यू चल जाता है। वीडियो जब जैसे आप गेमिंग का डालते हैं यार, जब तक जान लो कि 1 घंटे में अगर 3,000-4,000 व्यूज ना आए, तब तक से मत समझना कि हमारी वीडियो वायरल है। अगर इतने व्यूवर अगर जिस दिन जुड़ने लगेंगे, उस दिन समझ लेना कि आपका चैनल जो है ग्रोथ पे एकदम चढ़ गया है। और उसी से रिलेटेड वीडियो डालते रहना, दम पे दम दो दो तीन तीन वीडियो, चार चार वीडियो डालते ही रहना भाई। क्योंकि YouTube पे अगर एक दिन वीडियो डालोगे और 4 दिन नहीं डालोगे तो आपकी ऑडियंस भग जाएगी भाई, वो फिर आपके प्लेटफॉर्म को छोड़ देगी। क्योंकि ऑडियंस है जो सब्सक्राइब करते हैं जो लोग, वो लोग आपके अंदर कोई क्वालिटी को देख कर ही सब्सक्राइब करते हैं, और वो इंतज़ार करते हैं कि इनकी वीडियो जो है फिर आएगी। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो ऑडियंस तो भैया चली जाएगी, और जब व्यूअर नहीं रहेंगे तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है यार। अब देखिए इस वक्त 2 से 2:30 बजने वाले हैं, अभी हमारा टाइमिंग भी हो रहा है भाई। देखिए भैया, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है भाई, तहे दिल से। ये हमारे अंदर का जो दिल है ना, उससे आप लोग हमें आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज प्लीज भाई प्लीज। सतारू भाई चले गए का? अच्छा है भाई, है। ओके भाई, ओके। जुड़े रहिए। मैं देखिए रात को भी 9 बजे, रात को 9 बजे संडे के दिन भी लाइव आता हूँ, और अदर अदर उसके पहले पहले भी कभी कभी आ जाता हूँ, कभी 2 बजे भी आ जाता हूँ। मतलब हमारे ऊपर है, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइव आ जाता हूँ। अगर वीडियो एडिटिंग करना रहता है, जब रात को मैं शाम को यहाँ से काम पर से छूटता हूँ और वहाँ पहुँचता हूँ, घर पे पहुँचता हूँ, तो मैं बैठ जाता हूँ वीडियो एडिटिंग करने। अगर उससे समय अगर 9 क्रॉस कर गया तो फिर मैं लाइव नहीं आता हूँ। 9 बजे के पहले अगर एडिट कर लेता हूँ मैं, तब जाके जो है अपनी जो है लाइव स्ट्रीमिंग जो है शुरू करता हूँ। कितने तक कितने भेजे बाजे बजे कितने तक कितने बजे? जैसे मैं रात को 9 बजे से 10 बजे तक रहता हूँ, 1 घंटे। कभी अगर हमें 9 से कर गया तो मेरे मन में आया तो मैं 9:30 बजे आ जाता हूँ।
तो कभी अगर आप चैनल जो है सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा, ये हमारे चैनल का नोटिफिकेशन जो है ना आपके चैनल पे जरूर जाएगा भाई। देखिए हमारा पवन कुमार ब्लॉग चैनल है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा हमारे चैनल की रीच को बढ़ाइए ताकि मुझे भी ग्रोथ मिल जाए थोड़ा। उधर जो है मैं भी प्रॉपर तरीके से ही काम कर रहा था भाई, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम करते करते अचानक मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया और हम चले गए वहाँ पे जो है हमारे यहाँ। जब मैं चला गया उनको लेके बनारस और वहाँ पे आईसीयू में एक हफ्ता उन्होंने डाल दिया, हमारा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो गया भाई। वहाँ पे बजट जो है डॉक्टर ने 85,000 जो है सिर्फ दवा का गिरा था, बाकी 1,05,000 गिरा था हॉस्पिटल खर्चा। हम तो डॉक्टर से भैया हाथ जोड़ के उनके पैर पे गिर गए भाई कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, भैया हम कहाँ से लाएं। फिर इसके बाद डॉक्टर ने एकदम बिल्कुल माना ही नहीं, फिर भाई इधर उधर से कर्ज ले लेके तब जाके किसी तरह से उनको हमने वहां से छुड़ाया। दो भैया सलाह दो, क्या सलाह दे रहे हैं आप? सतारू भाई आप क्या सलाह दे रहे हैं हमको बताइए। चलो आप हमारे जैसे बीवर हो गए तो आपकी बात को तो हम सुनेंगे भाई, क्या सलाह दे रहे हैं बताइए, कमेंट कीजिए। ओके भाई ओके, मैं नहीं देखता वीडियो अपनी, मैं सिर्फ जब अपलोड करके पब्लिक करता हूँ वीडियो को तो थोड़ा सा चलाता हूँ और इसके बाद फिर मैं अपने ही चैनल मोबाइल से अपनी वीडियो को कभी नहीं देखता, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि अगर वो वॉच टाइम उसमें काउंट नहीं होगा अगर हम उस वीडियो को देखेंगे अपने ही, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता लग जाता है भाई कि ये अपने ही मोबाइल से बार बार देख वीडियो चला के जो है वॉच टाइम पूरा किया गया है। और कुछ पूछना है? सतोरू भाई और कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, आप लोगों को मैं जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि लाइव है तो हम लाइव जब आए हैं तो आप लोगों को अच्छी सलाह देंगे ना भैया। अच्छा ये बताइए कि आप गेमिंग का जो डालते हैं वो शॉर्ट डालते हैं लॉन्ग डालते हैं? आप जो गेमिंग का वीडियो डालते हैं तो वो शॉर्ट में डालते हैं कि लॉन्ग पे डालते हैं? देखिए भैया ये जी राम जी, देखिए भाई मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, ये बताइए आप शॉर्ट पे काम कर रहे हैं, हम लॉन्ग पे काम करते हैं, क्यों करते हैं बताइए हमको।
अभी देखिए एक नंदलाल करके हैं, उनकी उम्र जो है 60-65 साल है और वो बूढ़े बूढ़ी दोनों लोग शॉर्ट पे काम करते हैं। उनका कितना गया था, 1.5 मिलियन गया था व्यूज, 1.5 मिलियन। अब बताइए वो शॉर्ट पे कितना पैसा कमाए होंगे भैया, आप हमको बताइए। नहीं तो लॉन्ग पे काम करो ना, शॉर्ट पे अगर शॉर्ट वीडियो डालोगे तो भाई शॉर्ट पे तो ज्यादा व्यूज तो आएंगे ही, लेकिन लॉन्ग जो है ना धीरे धीरे चलता है, लेकिन एक बार उस पे आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो ये जान लो कि शॉर्ट से अच्छा रहेगा वो। अच्छा आपके जो है व्यूज 20,000 है, चलिए ठीक है, अगर 20,000 व्यूज हैं तो आपके 15 सब्सक्राइबर क्यों हैं? तो 20,000 व्यूज पे 15 सब्सक्राइबर मिले हैं आपको। और भाई किसी के मोबाइल से जो है ना सब्सक्राइब मत करवाना, जो सब्सक्राइब करेंगे वो जेन्युइन होना चाहिए। अच्छा मोबाइल ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ओके चलो ठीक है, अभी चलेंगे काम पे। तो घर में आप अपने सबसे समझ लीजिए ना, उनसे कह दीजिए घर में कि मैं इस पे यूट्यूब पे काम करता हूँ। आप घर में अपने मम्मी पापा को बता दीजिए मैं यूट्यूब पे भी काम करता हूँ, अपनी पढ़ाई भी करता हूँ, यूट्यूब पे भी काम करता हूँ। उनको अपने तरीके समझाओ। एक दिन जब मैं लाइव आता हूँ ना तो हमसे जो है दिखाओ तो मैं समझाऊं उन्हें। चलो भाई चलो फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, ठीक है? रात को 9 बजे मैं जब आऊंगा लाइव तो आप जो हमारे चैनल से जुड़ जाना, ठीक है? अभी हमारा काम का समय हो गया है, हम यहीं पे अपना बंद करने जा रहे हैं, ठीक है भैया? रात के 9 बजे का राजी जाइए सगाई।